अभी बॉलीवुड में बाहुबली की खुमारी ठीक से उतरी भी नहीं थी कि चीन में आमिर खान की दंगल पकड़ने लगा है। दंगल चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। ताज़ा खबर ये है कि दंगल की वजह से आमिर खान के लिए चीनियों की चाहत बढ़ने लगी है। दंगल के प्रमोशन के लिए आमिर कई बार चीन जा चुके हैं और चीनियों के बीच उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। और इस लोकप्रियता का ये आलम है कि चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर आमिर खान के फॉलोअर्स की संख्या मोदी को पार कर गई है। वीबो पर आमिर के फॉलोअर्स की संख्या 675,841 से ज्यादा है, जबकि मोदी के 168,848 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया वीबो बीबीसी की मॉनिटरिंग सेवा के मुताबिक दोनों के अकाउंट वेरीफाइड हैं और आमिर खान का वीबो अकाउंट काफी एक्टिव है, जबकि मोदी का आखिरी पोस्ट इस साल जनवरी में किया गया था। वीबो पर किसी भारतीय के फॉलोअर्स की यह सबसे ज्यादा संख्या है। चीन के सोशल मीडिया पर भी दंगल की खूब चर्चा है। लोग लेट्स रसल द फिल्म का चीनी नाम के हैशटैग से कमेंट कर रहे हैं। आमिर उन चंद बॉलीवुड सितारों में से हैं जिनके चीन में भी फैंस हैं। कुछ साल पहले जब थ्री इडियट्स आई थी तो चीन में इस फिल्म की लोकप्रियता ने सबको हैरत में डाल दिया था। तब से आमिर भी वहां मशहूर हो गए। जैकी चैन भी कई बार थ्री इडियट्स की तारीफ कर चुके हैं।